हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग यूपीएससी पीटी 2023 के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एरोसोल्स क्या होते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ बोथ मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से कौन सा सोर्सेस हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की बात कर रहा है, तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है राइस से एमिट होता है। सेकेंड है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग, ये भी 2022 का क्वेश्चन आया है, एपीएससी द्वारा पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, कंसीडर द फॉलोइंग, फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है ओजोन, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द इन द एनवायरमेंट आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। इसमें किस किनके एक्सेस होने के कारण एसिड रेन होता है, तो आंसर इसका आप देख लो, इसका आंसर है बी, टू एंड फोर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड के एक्सेस हो जाने के कारण ही एसिड रेन होता है। एरोसोल्स के बारे में देखें कि एरोसोल्स होता क्या है और इसका क्या है। तो जो इंडस्ट्रियल एरोसोल्स हैं उनका ग्लोबल कूलिंग में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक स्टडी में पाया गया है कि जो इनएक्टिव वोल्केनोज होते हैं उनका सल्फेट इमिशन में 66% का रोल होता है, और ये प्लेनेट को कूल करते हैं, और ये बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल इरा के समय पे ऐसा था। एरोसोल्स जो होता है लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो सस्पेंडेड होता है लिक्विड और गैसियस एनवायरनमेंट में। यदि एटमॉस्फेयर की बात करें तो इन एटमॉस्फेयर में जो लोअर लेवल पर ये एरोसोल्स पाए जाते हैं, बेसिकली 1.5 किलोमीटर के नीचे होते हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है, एरोसोल्स का जो सोर्स होता है वो टेरेस्ट्रियल सरफेस होता है। कुछ एरोसोल्स होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं, स्पेशली ये वोल्केनिक एरोसोल्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड तक चले जाते हैं। यहाँ पे देखें तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स के सोर्सेस क्या क्या है, तो कुछ एरोसोल्स होते हैं जो सरफेस से जाते हैं, कुछ है मेजोस्फेयर से आते हैं। मेजोस्फेयर से जैसे मेटोराइटिक डस्ट होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं, और सरफेस से बात करें तो वोल्केनिक, टेरेस्ट्रियल, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रियल और मैराइन के थ्रू भी यहाँ पे एरोसोल्स पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। यदि सोर्सेस की बात करें यहाँ पे, तो कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड जो सोर्सेस होते हैं। यदि नेचुरल सोर्सेस की यदि बात करें तो जो वेव्स के ब्रेकिंग ब्रेक करने पे सी सॉल्ट जनरेट होता है, और जो मिनरल जो डस्ट होता है वो सरफेस से बाई विंड और वोल्केनो के से ब्लोन होने के कारण पहुंच जाता है। एंथ्रोपोजेनिक जो एरोसोल्स है वो जो हम फॉसिल्स फ्यूल जीवाश्म ईंधन का जब हम कंबसन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेशियस एरोसोल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि इफेक्ट्स की बात करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है एरोसोल्स का, तो ये जो हमारे एटमोसफेयर के केमिकल कंपोजिशन को इफेक्ट करता है, जो हमारे विजिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, साथ में एयर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे हार्ट और लंग्स को काफ़ी डैमेज करता है, और क्लाउड ड्रॉपलेट्स में ये न्यूक्लियाई का काम करता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में देखें तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरोसोल्स आर डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन गैसियस और लिक्विड एनवायरनमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन एटमॉस्फेयर दिस पार्टिकल्स आर सिचुएटेड बिलो द लोअर लेवल बिलो द 1.5 किलोमीटर सिंस एरोसोल्स लोकेटेड ऑन द टेरेस्ट्रियल सर्फेस। तो इसमें पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट जो हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो अभी हमने पीछे देखा तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन है कि एरोसोल्स इफेक्ट द एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन, सेकंड है दे हैव इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ लाइक हार्ट और लंग्स को काफी इफेक्ट करता है, तो इसमें भी पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो ऐसे ही मोर डेली वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर।